किसकी शादी में? किधर जा रहे पहले ये बताओ, किधर जा रहे? ना 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 ना, भाग जाएगा ये, भाग जाएगा, आगे भाग जाएगा। किधर जा रहे हो? ये इधर घर है, आपका घर तो उधर है, आप तो इधर जा रहे हो। आ जाओ ले चलो, जाना है आपके घर छोड़ दो है? आ जा। ये था हमारा दोस्त, काफ़ी दिनों के बाद मिला है हमें, तो आज मैं इसके पास काफ़ी टाइम खड़ा हुआ, बातें की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। शुरू में इंट्रो रह गया था, मेरे जहन में नहीं था, अभी आया। अम्मी जान और अब्बू जान आ रहे हैं, तो खुशी काफ़ी हो रही है क्योंकि घर की रौनक वापस आ रही है। अभी कॉल पे बात हुई थी तो मियाँ चनू पहुँचे थे, तकरीबन घंटा सवा घंटा और लगेगा। तो मैं खीर बना रहा था, तो एक चीज़ और बनानी है, वो भी आप दोस्तों को आज दिखाएंगे। बहुत मज़े की चीज़ आज बनेगी इंशाल्लाह, वीडियो बहुत मज़े की होगी आज, तो पूरी लाजमी देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। अभी सिर्फ खीर बना रहा हूँ, वो आप दोस्तों के पहले दिखाता हूँ, फिर जो अगला काम है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये मिक्स खीर लेके आया हूँ बाज़ार से। तो इधर हमारा ये दूध गर्म होगा तो फिर हम इसमें डाल के पकाएंगे, बहुत ही मज़े की बनती है ये। ये देखें माशाल्लाह हमारी खीर तैयार होने वाली है। ये देखें 5 से 10 मिनट और लगेंगे इसको तैयार होने में। आज हम बनाएंगे बकरे की रान। इसकी काफ़ी रेसिपी यूट्यूब पर पड़ी है, जो मज़ेदार की रेसिपी है वो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसका जो असल जायका है वो गोश्त का होना चाहिए, क्योंकि अक्सर मसाला जात काफ़ी लगा देते हैं, लेकिन कम मसाला लगा के जो इसका अपना असल फ्लेवर होता है वो लेना चाहिए, जो असल मज़ा होता है। तो मैं सादा तरीके से बनाऊंगा। तो बस अभी पहले इसकी सफाई करते हैं रान की। ये देखेंगे इसके ऊपर जो ये लगी हुई है ये साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद जो मसाले लगाए हैं वो आप दोस्तों को बताते हैं। पंखा भी बंद किया है, गर्मी काफ़ी है तो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, इस वजह से बंद किया मैंने। तो अभी हम इसका इधर से जोड़ थोड़ा सा टक लगाएंगे और बाकी जहाँ टक लगाना है वो लगाएंगे, फिर मसाला जात बना के वो लगाएंगे। अब हम इसमें दही में मसाले जात लगा डाल के तो वो लगाएंगे इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसका जो असल फ्लेवर है सिर्फ ये नमक ज़्यादा होना चाहिए, इसी पे इसका मज़ा आता है। तो अब हम इस मसाले को इस पे लगाएंगे अच्छे तरीके से। जो इसके टक लगाए हैं इसमें अच्छे तरीके से इसको भरना होता है।
तकरीबन 2 घंटे के लिए हम डाम के रखेंगे फ्रिज में। 2 घंटे के बाद जो अगला काम होगा वो भी करेंगे। तो गर्मी काफ़ी है, मैंने पंखा इसीलिए बंद करवाया था कि आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, क्यों माइक नहीं है, बस इसीलिए गुजारा करना पड़ता है। तो बस ये मसाला हमारा लग गया, काम मुकम्मल हो चुका है, बस अभी इसे रखना है, रेस्ट लेना है 2 घंटे के लिए, फिर इसका अगला काम करेंगे। मैंने अभी उसको स्टीम करने पर रखा हुआ है, तो उठा था सोया हुआ उठा था मैंने, सीधा पहले उसका काम किया। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे उसको स्टीम होने में, फिर उसका जो अगला वो दिखाएंगे, क्यों स्टीम तो हर किसी को पता है कैसे करते हैं, तो अगला काम दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये इसमें जो उसका पानी वगैरह निकला है गोश्त का, ये इसी में ही है, मसाले के अंदर ही पड़ा है। तो ये भी ऐसे ही रखा हुआ पास मैंने, इसको साइड पे करते हैं। ये देखें, ये कपड़ा इसके ऊपर इसलिए रखा कि इसकी जो अंदर की बम्पे हैं वो बाहर ना आए। तो आग हल्की सी है, तभी इसको 3 से 4 घंटे ऐसे ही इसको पकाएंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं स्टीम हो रहा है, तो अभी बस नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर देखते हैं। अभी तक मैंने चेक नहीं किया, देखेंगे क्या सूरत हाल है। हमारी जो रान रखी हुई थी तकरीबन जो जिसको 3.5 घंटे हो चुके हैं, तो अभी हम उसको निकालते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया, तो इसका ये सामान उतारेंगे। ये मैंने कपड़ा रखा था इसके कि जो इसकी जो बम्प हैं वो बाहर ना निकले। ये गर्म है इसीलिए कपड़े के साथ पकड़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने खुद तैयार किया था, ये जो वो बिरयानी डालने के लिए डब्बे आते हैं, तो इसके नीचे, क्यों मेरे पास सामान तो नहीं था जो स्टीम करने वाला होता है, तो इसलिए ये मैंने खुद तैयार कर लिया था इसको। ये देखें सुराख करके, और नीचे ये वो रखा था मैंने कि कद्दूकश वाली नहीं होती है, ये रखा था स्टैंड बनाने के लिए, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना था हमने। उसके बाद ये रान है, ये माशाल्लाह गल चुकी है, बस अगला इसका थोड़ा छोटा सा काम है वो हम करेंगे अभी, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अब मैं इसको इस ग्रिल पे रख के थोड़ा सा कोलों पे पकाऊंगा ऑयल लगा के, क्यों इसके बाद इसको या तो ओवन में रखते हैं या इसको थोड़ा सा तलाई करते हैं, लेकिन मैं ये कुछ अलग करूँगा कि जो कोलों का जो फ्लेवर है, जो कोलों का जायका है, खुशबू है, वो भी इसमें थोड़ी सी आ जाए और जायका अच्छा आ जाएगा। तो बस इसको अभी ग्रिल पे रखूँगा, फिर इसको कोलों पे रखूँगा। क्यों ये ग्रिल तो फिश वाली है, तो बस इसको थोड़ा सा एक साइड पहले ये करेंगे, ये पक जाएगी नीचे वाली, फिर इसको चेंज करके दूसरी साइड कर लेंगे। ये मैंने उस दिन की तरह दोबारा बनाया जिस दिन मैंने टिक्के बनाए थे, दोबारा इसको फिर वैसे ही सीख वाली पे लगाया कपड़ा ऑयल लगाने के लिए।
इस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तकरीबन बस इसको थोड़ा सा आल में लगा के कोयला का जायका है वो लेके आना है। और ये पकी तो हुई है, स्टीम हो रही है, गली हुई है बिल्कुल, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा जो कोरे का होता है अपना, खुशबू सी जो होती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बन चुकी है, ये देखें इसकी अभी गर्म है, ये देखें कितनी आसानी से टूट रही है, बिल्कुल गला हुआ है कि बिल्कुल भी इसमें कोई कच्चापन बाकी नहीं रहा। ये देखें ये सारा ही ऐसे तैयार है। ये देखें मैंने अभी इसको काटा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकला है, अंदर से भी बिल्कुल गला हुआ है, मजा आएगा कुछ कच्चा हो कहीं से भी। बहुत मज़े का बना था, तो उसी वक्त ही ख़त्म हो चुका था, सबने मिलकर खाया है, पता भी नहीं चला है। खाने के बाद कुछ आराम किया, तो अभी दूध पिया तो नमाज़ के लिए जाने लगा था, तो मैंने कहा व्लॉग का आखिरी एंड हो रहता है, तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।